हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाउडर के बारे में, और मैं आपको रिव्यू दूंगी मिमी का जो बेबी पाउडर है उसके बारे में। मैं आपको रिव्यू दूंगी, उसके बारे में मैं आपको अपने व्यूज़ शेयर करूंगी कि ये पाउडर यूज़ करने में कैसा है और बेबी को ये सूट करता है या नहीं करता है, इस पाउडर की फ्रेग्रेंस कितने टाइम तक के लिए रहती है, आपके बेबी को ये रिफ़्रेश फील कराता है कि नहीं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको शेयर करूँगी। सो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मिमी का फ्रेश फील बेबी पाउडर, इसके बारे में मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी। तो सबसे अच्छी बात इस पाउडर की ये है कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, टिकटॉक वाला है। आई मीन इसको आप ऐसे तरीके से खोल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, ये खुला नहीं है। पहली चीज़ तो इस पाउडर की सबसे अच्छी चीज़ है कि इस पर ये कैप दिया गया है, और हिमालय में अगर आप देखोगे तो उसमें ये विदाउट कैप होता है। हिमालय भी बहुत अच्छा है, मैंने हिमालय का भी यूज़ किया है। और कि क्या होता है, बच्चे जब खेलते रहते हैं वो पाउडर मुंह में डाल लेंगे, या कभी कभी पाउडर वेस्ट हो जाता है बेड पे रखे रखे, तो सबसे अच्छी चीज़ इसका कैप दिया गया है। ये देखिए कि जो पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। और इस पाउडर को मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। इसमें लिखा है कि मिमी फ्रेश फील बेबी पाउडर इज़ क्लिनिकली टेस्टेड, और जब भी आप अपने बेबी को ये पाउडर यूज़ करिए उसको अपने हाथों में थोड़ा सा शेक करिए, उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये जो पाउडर है ये पूरा 500 ग्राम्स का है, और इसको आप 0 मंथ से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हो। ये आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इसमें लिखा है पैराबिन फ्री, हाइपोलर्जेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और ये बेबी पाउडर बहुत ही ज़्यादा आपके बेबी को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। आपका बेबी जब भी आप अपने बेबी को ये पाउडर लगाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो स्किन थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि कोई पाउडर ऐसा यूज़ करें जो उसको फ्रेश फील हो। उसके साथ ही साथ हम लोग पाउडर में ये ज़रूर देखते हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये जो मिमी का पाउडर है इसकी जो स्मेल है, जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए, इसकी स्मेल 6 to 7 hours रहती है, इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं जाती है। उसके बाद भी आपके बेबी के पास से धीमी धीमी सी स्मेल, बिल्कुल माइल्ड फ्रेगनेंस है इसकी, आती रहेगी। बहुत अच्छे पाउडर है ये, और इसका इस पाउडर का जो प्राइस है वो है 299, और इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। सो मुझे ये मिमी का जो पाउडर है ये पड़ा है 248 में। सो ये पूरा पाउडर 500 ग्राम्स का है, और इस पाउडर की सबसे अच्छी बात ये है कि बेबी को जब हम लोग डायपर यूज़ करते हैं तो उसके रैशेस आ जाते हैं, उसके लिए हम लोग नैपिक क्रीम यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये मिमी का पाउडर उस रैशेस के लिए यूज़ करोगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, आपके बेबी को बिल्कुल भी रैशेस नहीं आएगा। आप आफ्टर बाथ यूज़ कर सकते हो, और जब भी आप अपने बेबी के डायपर्स को चेंज करिए तब भी आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पाउडर आपके बेबी के लिए बहुत सेफ़ है, प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग और इसकी सबसे अच्छी चीज़ की इसकी स्मेल, और इस पाउडर में इंग्रेडिएंट्स हैं चॉक है, फ्रेग्रेंस है और BHT है। सो ये था पूरा, मैंने आपको मिनी का रिव्यू दे दिया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।